हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विथ बेबी रानी चैनल। और मैं हूं बेबी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिठाई की रेसिपी। इसे हम बिना मावा खोया के बनाएंगे आधा कप दूध से। तो देखिए, कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी को पिघलने देते हैं। तो देखिए, इस मिठाई को ना आप 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध को और घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब हम इसमें डालेंगे उसी कप से आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैं यहाँ पे पाउच वाला यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी अच्छी कंपनी के मिल्क पाउडर ले सकते हो। तो मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो जितना आप दूध ले रहे हो उतना ही हम मिल्क पाउडर लेंगे। तो ये हम बना रहे हैं मिठाई के लिए खोया। अगर आपके पास खोया है तो फिर ये वाला मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो तुरंत से मिल्क पाउडर और दूध मिक्स करके खोया घर पे तुरंत से बना सकते हो। या फिर आप दूध को जला करके बना सकते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट। तो देखिए, दूध को ना अच्छे से गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। या फिर आपके दूध का क्वांटिटी, मिल्क पाउडर का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होने लग गया है। मिल्क पाउडर डालने से ना दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाते हैं। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, मतलब आधा कप दूध था तो आधा कप हमने चीनी लिया है। तो मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चीनी डालने के बाद फिर से इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा, तो उस पानी को सुखा लेंगे। और ये देखिए, हमारा इंस्टेंट खोया बन करके तैयार है। तो इससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हो, गुजिया बना सकते हो, इसी का पैरा भी बना सकते हो। तो इस प्लेट में रख लेते हैं। सेम कढ़ाई को हमने अभी रखा है, उसको साफ़ नहीं करा है। तो यहाँ पर लिए एक घिया, और ये घिया 250 ग्राम है। तो ध्यान रखना, घिया कच्ची होनी चाहिए, अंदर से बीज नहीं होना चाहिए। और घिया को ना चेक भी कर लेना कि कहीं ये घिया कड़वी तो नहीं है। कई बार घिया ना कड़वी आ जाते हैं। तो घिया को पतले वाले घिया कश के सहायता से हम इसे घिस लेंगे। तो ये देखिए, हमने घिया को घिस करके तैयार कर लिया है। और इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, अच्छी कच्ची वाली फ्रेश घिया थी। अब हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में इस घिया, कसा हुआ घिया को डाल देंगे और आंच को धीमी रखेंगे। और ये जो कढ़ाई में लगा हुआ है ना मिल्क पाउडर का, जो भी हमने खोया बनाया था, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, इसी में हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना, घिया में बहुत सारा पानी होता है, तो अभी वो पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए, घिया में बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। इतना पानी है कि घिया हमारा अच्छे से पक जाएगा, और जो खोया था ना कढ़ाई में लगा हुआ, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप चीनी डाल देते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट कर सकते हो, मीठा आपको कितना पसंद है। चीनी डाल करके मिक्स कर लेंगे और फिर से कढ़ाई में फैला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करके फैला देते हैं और ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे। घिया को इस टाइम हमें पकाना है। तो घिया को लगभग 5 से 7 या फिर 8 मिनट लग जाएगा पकने में, क्योंकि घिया घिसा हुआ है तो ये जल्दी से पक जाते हैं। घिया हमारा पक गया है। तो अब जो इसमें पानी है ना, चीनी का पानी, घिया का पानी, उसे हम सुखा लेंगे आँच को थोड़ा सा बढ़ा करके। ये ध्यान रखना कि कढ़ाई में चिपके ना, फिर ना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लगातार मिक्स करते हुए घिया का पानी सुखा लिया। अब हम इसमें ये खोया मिक्स कर लेंगे। खोया मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे, या फिर जब तक कढ़ाई छोड़ने नहीं लग जाते हैं तब तक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच जितना ग्रीन फूड कलर। इससे क्या होगा ना, घिया का, बर्फी का ना कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा ही डालना है। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो कलर स्किप भी कर सकते हो। तो बस इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा कर लेते हैं। अगर आपको जल्दी से बर्फी बनाना है तो इसे कोई बर्तन में निकाल करके
5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दो तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। अगर जल्दीबाजी नहीं है तो इसे ढककर के स्लेब पे ही रख दो, ये खुद ही जम जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी शेप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे पेड़ा के शेप दे रही हूँ। ये वाला बर्फ़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप चाहे तो इसे फास्ट में भी खा सकते हो या फिर वैसे भी घर पे बना लो, मिठाई के डब्बे में रख दो, किसी के गिफ्ट भी दे सकते हो, किसी को पता नहीं चलता कि इसे हमने घर पे बनाया है। तो चलिए मैं इसी तरीके से सारे मिठाई बना कर के तैयार लेती हूँ, कर लूँगी। और इसके ऊपर पिस्ता और कुछ गुलाब के पंखुड़ियों से यहाँ पे मैं सजा लूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।